नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वार्टर्स 8 स्टेप चेंज मॉडल। तो लास्ट तक देखना आप इस वीडियो को ताकि आप समझ पाओ क्या होता है क्वार्टर्स 8 स्टेप चेंज मॉडल। मल्टीपल एग्जांपल के साथ हम कवर करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। अभी आपको पता है टेक्नोलॉजी में कितना चेंज हुआ है। पहले ऐसे कुछ बल्ब बनते थे, उसके बाद 0 वॉट के ऐसे बल्ब आने लग गए, फिर CFLs आए, फिर LEDs आए। तो कितना चेंज हुआ है टेक्नोलॉजी में, है ना। और नीचे आप पिक्चर देखोगे, कस्टमर्स के प्रेफरेंस में भी उसी हिसाब से चेंज हुआ है। तो ऐसे जो चेंजेस होते हैं वो होने चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि अच्छा कुछ एक मिलता है। मतलब अगर आपको डेवलप होना है, अगर आपको ग्रो करना है, तो आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही चेंजेस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस। पढ़ लेते हैं क्या होता है। Organizational changes are those that have a significant impact on the organization as a whole, ठीक है। तो organization changes वो changes होते हैं जिनका जो impact होता है वो पूरी organization पे होता है। Major shifts to personnel, company goals, service offerings and operations would all be considered form of organizational change, ठीक है। अगर आप personnel में changes कर रहे हो, कंपनी के जो गोल्स हैं उसमें चेंजेस कर रहे हो, जो कंपनी ऑफर करती है उसमें चेंजेस कर रहे हो, जो कंपनी के अंदर ऑपरेशंस वगैरह हैं, जैसे जैसे कंपनी ऑपरेट करती है उसमें चेंजेस कर रहे हो, तो ये सब कुछ ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस में आता है, ठीक है। और ये बहुत बड़ी कैटेगरी होती है, ब्रॉड कैटेगरी होती है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। तो अब आप समझ रहे होगे, हाँ ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज हम समझ गए क्या होता है, लेकिन हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं। ये टॉपिक हम इसलिए पढ़ रहे हैं, तो कोई कोई एम्प्लॉयज़ होते हैं वो हर बार ऐसे पॉजिटिव तरीके से नहीं देखते हैं चेंजेस को, ठीक है। उनको लगता है यार सेम तरीके से तो काम हो रहा है, सेम रास्ते पे तो चल रहे हैं, अब भाई रास्ता चेंज करने के लिए क्यों बोल रही है ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी, मतलब जो पहले काम होता था उस ढंग से नहीं, नए ढंग से काम करने के लिए क्यों बोल रही है, ठीक है। तो जब चेंज को इम्प्लीमेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो एम्प्लॉयज उस चेंज को रेजिस्ट कर सकते हैं। रेजिस्ट इन द सेंस उस चेंज को ऐसे स्वीकार करने से मना कर सकते हैं कि हाँ भाई हम तो पहले जैसे ही काम करेंगे, नए तरीके से काम नहीं करेंगे। उसी के लिए ये मॉडल दिया गया है कि अगर आप कोई चेंज को इम्प्लीमेंट कर रहे हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको स्मूथली इम्प्लीमेंट करने के लिए, उस चेंज को सक्सेसफुली रिजल्ट्स लेने के लिए ये मॉडल आप यूज़ कर सकते हो। तो अब मीनिंग पढ़ लेते हैं, व्हाट इज क्वार्टर्स 8 स्टेप चेंज मॉडल, ठीक है। जॉन क्वार्टर इंट्रोड्यूस्ड द क्वार्टर्स 8 स्टेप चेंज मॉडल टू इम्प्रूव एन ऑर्गेनाइजेशंस एबिलिटी टू चेंज एंड टू इंक्रीज इट्स चांसेस ऑफ सक्सेस, ठीक है। तो क्वार्टर्स ने, जो जॉन क्वार्टर था, उन्होंने ये जो मॉडल है वो लेके आए थे 8 स्टेप चेंज मॉडल, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी है ना चेंज करने की, या चेंज के जो सक्सेस होते हैं, जो भी उसके रिजल्ट्स होते हैं, उसको प्राप्त करने की एबिलिटी इंप्रूव हो पाए और अच्छी तरीके से वो चेंज को इम्प्लीमेंट कर पाए ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। अंटिल दिस डे द मॉडल इज सीन एज वन ऑफ द मोस्ट अडॉप्टेड मैनेजमेंट मॉडल्स, ठीक है। आज भी ये मॉडल बहुत जोरों शोरों से यूज़ किया जाता है कंपनीज में। ये मॉडल दिया था आई थिंक 1996 में दिया था जॉन क्वार्टर ने, ठीक है। बाय फॉलोइंग दिस स्टेप प्लान ऑर्गेनाइजेशंस कैन अवॉइड फेलियर एंड बिकम अडेप्ट एट इम्प्लीमेंटिंग चेंज। जैसे कि हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर चेंज को इम्प्लीमेंट करना है तो ये सारे जो स्टेप्स है ये ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर सकती है, ताकि जो चेंज है वो फेल ना हो, वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाए, ठीक है। As a result, organizations no longer need to adjust the changes and they will increase their chances of success. तो इसी के बदौलत, मतलब इस मॉडल के बदौलत, जो ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस लेके आई है ना, उसमें चेंज नहीं करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। चेंजेस को एडजस्ट करना, कई बार ऑर्गेनाइजेशन कोई चेंज लेके आती है, एम्प्लॉय रजिस्ट करते हैं, वो चेंज नहीं करती है, फिर बोलती है ठीक है भाई जैसे एम्प्लॉयज़ का है। अगर इस मॉडल के जरिए आप चेंजेस को इम्प्लीमेंट करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उस चेंज को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के कंपनी में। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहां तक हम मीनिंग समझ गए कि ये मॉडल किस बारे में है। अब कौन से वो 8 स्टेप्स हैं जो जॉन क्वार्टर ने दिए थे, देखते हैं वो क्या 8 स्टेप्स हैं। सबसे पहला है क्रिएट अर्जेंसी। अभी मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा, आने वाली स्लाइड्स में हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। पहला स्टेप है क्रिएट अर्जेंसी, फिर है फॉर्म अ पावरफुल कोलिशन, ठीक है। कोलिशन का मतलब होता है टीम, बोल लो एक तरह से, ठीक है। क्रिएट अ विजन फॉर चेंज, कम्युनिकेट द विजन, रिमूव ऑब्स्टिकल्स, क्रिएट शॉर्ट टर्म विंस, बिल्ड द चेंज या बिल्ड ऑन द चेंज, एंकर द चेंजेस, ठीक है। तो ये कुछ 8 स्टेप्स हैं जिनको यूज करके कोई भी कंपनी सक्सेसफुली चेंज को इम्प्लीमेंट कर सकती है।
तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं क्या है। डिस्कस करने से पहले मैं बता देता हूँ इनकी कैटेगरी कैसे है। जो पहले के तीन चेंजेस हैं ना, तीन जो स्टेप्स हैं पहले के, वो होता है माहौल बनाने के लिए। पहले के तीन स्टेप अगर आप ले रहे हो तो कंपनी में एक माहौल बना रहे हो कि हाँ भाई ये चेंज आ रहा है और इससे ये बेनिफिट्स हैं, ऐसे ऐसे हैं, तो एक तरह से माहौल बना रहे हो, ठीक है, क्रिएटिंग द राइट क्लाइमेट फॉर चेंज। उसके बाद के जो तीन स्टेप्स हैं, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ, वो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन से लिंक करने के लिए कि हाँ भाई इस चेंज से ऑर्गेनाइजेशन कैसे एम्पावर होने वाली है, ऑर्गेनाइजेशन के कैसे सुधार होने वाला है। ऑलराइट, तो वो ऑर्गेनाइजेशन से लिंक कर दिया आपने, पहले माहौल बना दिया हाँ भाई चेंज होने वाला है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन को कैसे इससे बेनिफिट होगा। और लास्ट का जो दो स्टेप्स होते हैं वो होते हैं चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। एग्जैक्टली, पहले इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, पहले हम बस बता रहे हैं, और लास्ट में जो उस चेंज को लेके आना है ना सक्सेसफुली, अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो लास्ट के दो स्टेप होते हैं। ठीक है, वन बाय वन समझते हैं, बिल्कुल मस्त क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट है क्रिएट अर्जेंसी। अर्जेंसी का मतलब जरूरत क्यों है इस चेंज की, वो क्रिएट करना पहले। ठीक है, डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी अराउंड द नीड फॉर चेंज। ठीक है, दिस मे हेल्प यू स्पार्क द इनिशियल मोटिवेशन टू गेट थिंग्स मूविंग। ठीक है, तो इनिशियल मोटिवेशन लाने के लिए, मतलब चेंज अभी आप लेके नहीं आए हो, उससे पहले जो माहौल बनाते हैं ना वो काम कर रहे हो आप, एक अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हो कि उसकी जरूरत है इस ऑर्गेनाइजेशन को, ऐसा कुछ माहौल बना रहे हो। दिस इज नॉट सिंपली अ मैटर ऑफ शोइंग पीपल पुअर सेल्स स्टैटिस्टिक्स और टॉकिंग अबाउट इंक्रीज्ड कंपटीशन। और इसका मतलब ये नहीं है कि पहले की कुछ चार्ट्स दिखा दो, हाँ भाई ऐसे हम ये नहीं कर पा रहे थे तो अभी हम कॉम्पिटिशन बढ़ गया तो हमें चेंज करना पड़ेगा ताकि हम ये कर पाए, इससे लोग बोर हो जाएंगे। ठीक है, ओपन एन ऑनेस्ट एंड कन्विंसिंग डायलॉग अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन द मार्केट प्लेस and with your competition. If many people start talking about the change you propose, the urgency can build and feed on itself. ठीक है, तो इस टाइम पे क्या करना है, आपको ऑनेस्ट रहना है, जो भी आप चेंज ला रहे हो, जो भी माहौल बना रहे हो, उसके लिए आपको ऑनेस्ट रहना है कि हाँ भाई मार्केट में ये चल रहा है और हमारा ये कॉम्पिटिशन है, ये कर रहे हैं, तो हमें भी ये चीज़ करना पड़ेगा। अगर मार्केट में टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है तो हमें भी टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद अगर लोग आपके चेंज के बारे में बातचीत शुरू कर देते हैं तो इसका मतलब माहौल बनना शुरू हो चुका है, अर्जेंसी क्रिएट हो चुकी है ऑर्गेनाइजेशन में। सेकंड स्टेप होता है फॉर्म अ पावरफुल कोलेशन। कोलेशन का जैसे मैंने मतलब बताया था टीम होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको टीम बनानी है एक, कि वो चेंज को प्रपोज कौन करेगा, कौन लेके आएगा उस चेंज को, कैसे लीड करेगा। चेंज का मतलब ये नहीं होता है कि उसको बस मैनेज कर लो भाई, उसको आपको लीड करना पड़ता है। ठीक है, लोगों के 10 क्वेश्चंस हो सकते हैं, 10 क्वेश्चंस को आंसर करना पड़ सकता है। कन्विंस पीपल दैट चेंज इज नेसेसरी। तो अभी आपको जो लोगों को है वो कन्विंस करना पड़ेगा। पहले तो आपने माहौल बना दिया, उसके बाद आप कन्विंस करना शुरू करोगे कि हाँ भाई चेंज की जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन में। दिस ऑफन टेक्स स्ट्रांग लीडरशिप एंड विजिबल सपोर्ट फ्रॉम की पीपल विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छे लीडर्स जो होते हैं, जो लोगों को मतलब मैनेज करना जानते हैं, उनकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, ताकि लोगों को कन्विंस किया जा सके। कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए लोगों के पास ये चीज़ कन्विंस करने के लिए। तो उसके लिए लीडरशिप या जो भी अदर टीम के लोग हैं उनको लेके आना पड़ता है जो कन्विंस करने में माहिर रहते हैं। दे डोंट नेसेसरीली फॉलो द ट्रेडिशनल कंपनी हायरार्की। इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई कंपनी में ऐसे ऐसे लोग हैं तो सीईओ को ले लो, सीईओ के नीचे दो बंदों को ले लो, ये चेंज प्रपोज कर देंगे, ऐसा नहीं होता। टू लीड चेंज यू नीड टू ब्रिंग टुगेदर अ कोलेशन और टीम, ठीक है, ऑफ इन्फ्लुएंशियल पीपल हुज पावर कम्स फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि आप हायरार्की फॉलो करते हुए नहीं करोगे कि हाँ भाई सबसे ऊपर के लेवल के बंदों को लेना है चेंज को लीड करने के लिए, नहीं, आप डिफरेंट डिफरेंट टीम्स में से, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में से डिफरेंट डिफरेंट लोग ले सकते हो ताकि एक टीम फॉर्म कर सको आप अपने चेंज को लीड करने के लिए। ऑलराइट, वंस फॉर्म्ड योर चेंज कोलेशन नीड टू वर्क एज अ टीम। बिल्कुल सही बात है, आपका चेंज कोलेशन जो भी आपने टीम बनाई है उसको एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। कंटिन्यूइंग टू बिल्ड अर्जेंसी एंड मोमेंटम अराउंड द नीड फॉर चेंज। ठीक है, यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो, माहौल ही बना रहे हो, तो अर्जेंसी और मोमेंटम वगैरह आपको डेवलप करते रहना है टीम में काम करते हुए भी कि चेंज की जरूरत है। ठीक है, थर्ड स्टेप आ जाता है क्रिएट अ विजन फॉर चेंज। अभी आपने अर्जेंसी क्रिएट कर दी, आपने टीम बना ली, ठीक है, लोग बात कर रहे हैं आपके चेंज के बारे में, लोग कन्विंस हो रहे हैं धीरे धीरे। अभी आपको एक क्लियर विजन चाहिए, आपको एक क्लियर नजरिया चाहिए, एक क्लियर गोल चाहिए उस चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए कि क्यों जरूरी है वो चेंज। When you first start thinking about change, there will probably be many great ideas and solutions floating around. ठीक है, तो आपने जब change के बारे में सोचा था ना तो बहुत सारे आपको ideas आए होंगे, बहुत सारे solutions आए होंगे, different different लोगों ने different different दिमाग दिया होगा। Link these concepts to an overall vision that people can grasp easily and remember.
तो उन सारे आइडियाज को सोच समझ के, उन सारे सोल्यूशंस को मतलब इकट्ठे करके एक क्लियर विजन बनाओ कि जिसको लोग ऐसे समझ पाए कि हाँ भाई इस चीज़ के लिए चेंज हो रहा है, और वो आराम से उसको याद रख पाए कि हाँ भाई हमारी कंपनी में ये चीज़ हो रही है। ठीक है, विजन का मतलब एक लॉन्ग टर्म आप गोल सेट करो उस चीज़ के लिए। द आइडियाज ऑफ एम्प्लॉयज कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन द विजन। ठीक है, जो भी आपके एम्प्लॉयज ने आइडियाज दिए हैं, जो भी आपको सोल्यूशंस दिए हैं, उनको इनकॉर्पोरेट करो जो भी आप विजन बना रहे हो उसमें, सो दैट दे विल एक्सेप्ट द विजन फास्टर, ताकि वो अपने आइडियाज को रिलेट कर पाए और उस विजन को अच्छे से मतलब एक्सेप्ट कर पाए कि हाँ भाई हमने ये आइडिया दिया था और उसके हिसाब से विजन बना है, तो हाँ भाई मतलब ऐसे कुछ रिलेटेबल कुछ उनको लगे। ठीक है, व्हेन पीपल सी फॉर देमसेल्फ व्हाट यू आर ट्राइंग टू अचीव देन द डायरेक्टिव्स दे आर गिवन टेंड टू मेक मोर सेंस। ठीक है, तो अगर उनको लगेगा कि हाँ भाई हमने कुछ ऐसे दिया था और वही आप अचीव करना चाह रहे हो, वो खुद से देखना शुरू करेंगे ना, जब तभी जो आप उनको डायरेक्शंस दे रहे हो, जो भी आप चेंज प्रपोज कर रहे हो, वो सेंस बनेगा उनके दिमाग में, उसके बारे में वो क्लियर एक पिक्चर बना पाएंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो अभी तक हम माहौल बना चुके हैं, तीन स्टेप हो चुके हैं, अर्जेंसी क्रिएट कर दी, टीम बना दी, विजन बना दिया, बनाया है अभी, अभी बताया नहीं है उनको, अभी बनाया है विजन, आपको आपको पता है बस विजन। फोर्थ स्टेप में हम कम्युनिकेट करेंगे उस विजन को, ठीक है, लोगों को बताएंगे उस विजन के बारे में। तो फोर्थ स्टेप होता है कम्युनिकेट द विजन, उस विजन के बारे में कंपनी में बताना जो जो एम्प्लॉयज हैं उनको। ठीक है, व्हाट यू डू विद योर विजन आफ्टर यू क्रिएट इट विल डिटरमाइन योर सक्सेस। कि आपने एक बार विजन बना लिया, जो भी आइडियाज थे उनको जुटा करके विजन बना लिया एक, लेकिन वो विजन आपके पास है अभी, तो उस विजन को कैसे कम्युनिकेट करोगे आप, उससे आपकी सक्सेस जो होती है डेराइव होती है। ठीक है, योर मैसेज विल प्रोबेबली हैव स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर डे टू डे कम्युनिकेशंस विद द कंपनी। ठीक है, तो आपका जो भी मैसेज होगा उससे जो भी कम्युनिकेशन है उसके जरिए आप चेंज को बताओगे बेसिकली ये। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है, सो यू नीड टू कम्युनिकेट इट फ्रीक्वेंटली एंड पावरफुली एंड एम्बेड इट विद इन एवरी थिंग दैट यू डू। इसका मतलब यही है कि आप जो भी विजन बनाया है आपने, उसको कम्युनिकेट करने का एक तो मतलब ये है कि हाँ भाई लोगों को बता दो जाके, हाँ भाई ये हमारा विजन है और इसलिए हम चेंज कर रहे हैं, और एक तरीका ये है कि डे टू डे जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप चीज़ें कर रहे हो, उसमें वो चीज़ मतलब जोड़ो उस विजन को, उस विजन के मतलब उस विजन से रिलेट करो उस चीज़ों को, जो भी आप काम कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अनाउंसमेंट हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी हो रहा है, सक्सेस स्टोरीज आ रही हैं, तो उस विजन के साथ उस चीज़ को जोड़ो। जैसे आपका विजन है कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बनना, तो कोई भी अगर सक्सेस स्टोरी आती है, कोई भी कस्टमर खुश होता है, कुछ भी करता है आपकी कंपनी के लिए, तो उस चीज़ को उस चीज़ से जोड़ो कि हाँ भाई आर विजन इज टू बिकम अ कस्टमर सेंट्रिक कंपनी, अमेज़न का विजन है बेसिकली। ठीक है, डोंट जस्ट कॉल स्पेशल मीटिंग्स टू कम्युनिकेट योर विजन। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई स्पेशल मीटिंग बुला लो और विजन बता दो, इंस्टीड टॉक अबाउट इट एवरी चांस यू गेट, यूज द विजन डेली टू मेक डिसीजन एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि एक तो मतलब ये होता है कि हाँ भाई आके बता दो आप एम्प्लॉयज को, एक वो है कि आप जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपका विजन दिखना चाहिए कि हाँ भाई जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके ढूंढ रहे हो, उसमें वो विजन दिख रहा है आपका। फिफ्थ स्टेप होता है रिमूव ऑब्स्टिकल्स। अब ज़रूरी तो नहीं है कि भाई आपने इतना कर दिया तो जो चेंज है वो सक्सेसफुली जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एक्सेप्ट कर लेंगे, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आएंगे, कुछ ना कुछ एम्प्लॉयज़ उस चीज़ से मतलब रिजिस्ट करेंगे, उस चीज़ को स्वीकार करने से मना करेंगे, तो उनको रिजॉल्व करना या रिमूव करना। ऑलराइट, इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस एंड स्ट्रक्चर्स आर इन प्लेस एंड अलाइंड विद द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल विजन। ठीक है, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस है, जो भी आपने चेंज से रिलेटेड जो भी चीज़ें कर रखी हैं, वो सारी मतलब इन प्लेस हैं, ऑलराइट, मतलब सही तरीके से अलाइंड है। कंटिन्यूसली चेक फॉर बैरियर्स और पीपल हु आर रेजिस्टिंग चेंज, इम्प्लीमेंट प्रोएक्टिव एक्शंस टू रिमूव द ऑब्स्टिकल्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ चेंज। ठीक है, चेंज में कोई भी अगर ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, कोई भी एम्प्लॉय उस चीज़ को रेजिस्ट कर रहे हैं, उसको स्वीकार करने से मना कर रहे हैं, या कोई भी अदर बैरियर्स आ रहे हैं, तो उस चीज़ को रिमूव करना या रिजॉल्व करना। ऑलराइट, रिवॉर्ड पीपल फॉर एंडोर्सिंग चेंज एंड सपोर्टिंग इन द प्रोसेस। ज़रूरी नहीं है रिवॉर्ड देना, बट हाँ कई बार आप रिवॉर्ड दे के लोगों को खुश कर सकते हो जो भी वो चेंज में मतलब एंडोर्स कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं उस चेंज को, उस चेंज के सपोर्ट में है, उनको रिवॉर्ड दे सकते हो, ज़रूरी नहीं होता ये वाला स्टेप। सिक्स्थ होता है क्रिएट शॉर्ट टर्म विंस। अभी आपने सब कुछ कर लिया, आपने माहौल भी बना लिया, आपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ लिंक भी कर लिया कि हाँ भाई ये हमारा विजन है, आप जो भी काम कर रहे हो उसमें अपना विजन दिखा रहे हो,
लेकिन अब जो यहाँ पे बारी आती है वो शॉर्ट टर्म विंस क्रिएट करने की आती है, जो एक बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है चेंज के इम्प्लीमेंटेशन पे। नथिंग मोटिवेट्स मोर देन सक्सेस, बिल्कुल सही बात है। अगर आपको सक्सेस मिलती है तो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन आता है, बूस्ट आता है। गिव योर कंपनी अ टेस्ट ऑफ विक्ट्री अर्ली इन द चेंज प्रोसेस। तो चेंज प्रोसेस में स्टार्टिंग में ही कुछ छोटे छोटे ऐसे गोल्स रखो, फिर उसको मतलब ऐसे इंजॉय करो, उस चीज़ को विक्ट्री की तरह लो, उस चीज़ को सक्सेस की तरह लो कि हाँ भाई ये हमारा एक माइलस्टोन था, ये हमने अचीव कर लिया। ठीक है, विद इन अ शॉर्ट फ्रेम दिस कुड बी अ मंथ और ईयर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ चेंज, जो भी आपका चेंज का तरीका है। हर महीने या तो कोई एक विक्ट्री आप सेलिब्रेट कर सकते हो, हर ईयर कर सकते हो। ठीक है, यू विल वॉन्ट टू हैव सम क्विक विन्स दैट योर स्टाफ कैन सी। ठीक है, आपके पास कुछ क्विक विन्स होने चाहिए कि हाँ भाई चेंज के जरिए हमने ये किया और ये एक चीज़ हमारी सक्सेस है। ठीक है, तो आपका स्टाफ अगर वो चीज़ देखता है तो उस चीज़ में एक मतलब एक बूस्ट आता है, हाँ भाई ये चीज़ हो रही है इस चेंज के जरिए, कुछ पॉजिटिविटी हो रही है। तो एक तरह से माहौल बनाना ही हो गया ये भी। विदाउट दिस क्रिटिक्स एंड नेगेटिव थिंकर्स माइट हर्ट योर प्रोग्रेस। अगर आप ये नहीं करते हो तो जो नेगेटिव थिंकर्स हैं, जो मतलब एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, जो क्रिटिक्स हैं, जो क्रिटिसाइज करते ही हैं, कुछ भी कर लो आप क्रिटिसाइज करेंगे वो, तो वो बातें बनाना शुरू कर देंगे, हाँ भाई चेंज लाए थे और कुछ हुआ ही नहीं ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन तो वैसे की वैसी चल रही है, पता नहीं चेंज क्यों कर रहे हैं। तो इसके लिए ये शॉर्ट टर्म विंस वाला जो सिलसिला है ये ज़रूरी होता है। क्रिएट शॉर्ट टर्म टारगेट्स नॉट जस्ट वन लॉन्ग टर्म गोल, यू वॉन्ट ईच स्मॉलर टारगेट टू बी अचीवेबल विथ लिटिल रूम ऑफ फेलियर। ठीक है, तो इसलिए शॉर्ट टर्म टारगेट्स आप बनाओ, लॉन्ग टर्म गोल बनाओ ठीक है, लेकिन बस लॉन्ग टर्म गोल मत बनाओ, उसके साथ एक कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स भी सेट करो जो कि अचीवेबल हो। ओके, तो ये हो गया स्टेप सिक्स। स्टेप सेवन में क्या होता है, बिल्ड ऑन द चेंज। कोटर आर्ग्यू दैट मैनी चेंज प्रोजेक्ट्स फेल बिकॉज विक्ट्री इज डिक्लेयर्ड टू अर्ली, रियल चेंज रन्स डीप, क्विक विंस आर ओनली द बिगिनिंग ऑफ व्हाट नीड टू बी डन टू अचीव लॉन्ग टर्म चेंज। अब ये जरूरी नहीं है कि आपने जो शॉर्ट टर्म जो विंस बनाए हैं ना, जो शॉर्ट टर्म टारगेट्स बनाए हैं, उनको अचीव करके ही आप बहुत ज्यादा खुश होने लग जाओ। नहीं, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है कि जो चेंज है वो अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में, अभी आप बस एक माहौल बनाने का कार्यक्रम कर रहे हो। तो इस वाली स्टेज में आप इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ध्यान दोगे कि जो शॉर्ट टर्म गोल्स बनाए थे वो तो ठीक है, लेकिन जो रियल चेंज है वो कितना इम्प्लीमेंट हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में और कितना नहीं हुआ है वो चीज़ देखोगे आप, लॉन्ग रन में सोचोगे इस बारे में। An organization therefore need to keep looking for improvements. Only after multiple successes have been achieved, it can be established that change is paying off. ठीक है, तो यहाँ पे organization improvements की तरफ देखे कि हाँ भाई इतने सारे आपने छोटे छोटे targets बनाए थे, वो अच्छे से अचीव हुए हैं कि नहीं हुए हैं, उसमें कुछ changes करने की, improvement करने की ज़रूरत है कि नहीं है, कुछ नया लाने की ज़रूरत है कि नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आप change में देखोगे, एक तरह से change को build करोगे। अब जाके आप change को build कर रहे हो। ठीक है, लास्ट स्टेप होता है एंकर द चेंजेस। एंकर का मतलब हो गया इनकॉर्पोरेट, मतलब लागू करना, एक तरह से ये मान लो लागू करना एज इन मतलब आपकी कंपनी के साथ वो रहे, ऐसा कुछ करना। ठीक है, फाइनली टू मेक एनी चेंज स्टिक इट शुड बिकम पार्ट ऑफ द कोर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो कोई भी चेंज को अगर आपको जोड़ना है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, या ऑर्गेनाइजेशन कल्चर या कॉर्पोरेट कल्चर में लाना है कोई भी चेंज को, तो उसको उस नजरिए से देखे लो कि वो एक पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, Your corporate culture often determines what gets done, so the value behind your vision must show in day-to-day work. ठीक है, तो जो भी corporate culture है उसमें पता चले कि हाँ भाई इस चेंज की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं और जो हमारा विजन था वो बरकरार रहे यहाँ पे, तभी वो incorporate हो पाएगा चेंज। Make continuous effort to ensure that the change is seen in every aspect of your organization. कि organization में जो भी चीज़ हो रही है उसमें वो चेंज दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से उस चीज़ को लागू कर दो ऑर्गेनाइजेशन में कि हर एक जगह पे वो चीज़ हो रही है। दिस विल हेल्प गिव द चेंज अ सॉलिड प्लेस इन योर ऑर्गेनाइजेशन्स कल्चर। तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी कल्चर है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का माहौल है, उसमें चेंज एक तरह से घुल मिल जाएगा जिसे कहते हैं, तो वो चेंज लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर वो चेंज हटा दिया जाए तो मतलब इनकम्प्लीट सी लगेगा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कुछ कर दो तब जाके आपको लगेगा कि हाँ भाई आपका चेंज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से इम्प्लीमेंट हो चुका है, और तब आप मान सकते हो कि हाँ भाई ये हमारी लॉन्ग टर्म सक्सेस है चेंज को लेकर, और हम सक्सेसफुली चेंज को इम्प्लीमेंट कर पाए। तो यही था इस वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, और लाइक हो जानी चाहिए वीडियो, अब तक तो खैर हो गई होगी, नहीं वीडियो देख रहे थे कैसे की होगी लाइक।
तो अब जाके आप लाइक कर सकते हो वीडियो को, और लाइक कर रहे हो तो साइड में सब्सक्राइब होता है, सबको पता है कि स्टडी का चैनल है तो सपोर्ट तो देना चाहिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।